नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माया क्रिएशंस में। और यहाँ पे आज मैं एक ब्लाउज़ कटिंग लेके आई हूँ, जो पट्टी वाला ब्लाउज़ है। साइज़ 48 चेस्ट है। तो 48 चेस्ट के लिए आपको चाहिए 1 मीटर ब्लाउज़ का कपड़ा। चाहे आप ब्लाउज़ का पीस लेते हैं या ब्लाउज़ का अस्तर का कपड़ा लेते हैं, कोई भी आपको 1 मीटर चाहिए, उससे कम नहीं लगेगा। वो भी छोटे आस्तीन के लिए 1 मीटर चाहिए। अगर आपको 3/4 या फुल आस्तीन बनाना है तो कम से कम 1.25 मीटर या 1.5 मीटर लग जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी साइज़ है। तो हमने इसको फोल्ड कर दिया है, जो कि हम 5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम फोल्ड करके लेंगे 13 इंच पे। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके दबा लीजिएगा बेल आइकन। और अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। साथ में अगर आपको किसी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग चाहिए, आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे लेंथ में रखनी है 16, ये सिल के जो है वो 15 तैयार हो जाएगी। क्योंकि अगर चेस्ट आपकी हैवी है तो आपको लेंथ भी थोड़ी बढ़ा के लेनी पड़ती है। और प्लस हम पीछे के हिस्से से कभी भी आगे का हिस्सा 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं, क्योंकि जब हम प्लेट्स डालते हैं और वो कपड़े का सिलाई जाता है तो ज़्यादा कपड़ा जाता है सिलाई में, इसलिए। और यहाँ 7 इंच पे जो है हमने शोल्डर मार्किंग की है, और 3 इंच पे नेक लाइन हमारी मार्किंग है। तो आगे का कभी भी आप अगर 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, 6.5 पे आर्म होल है। और ये सिल के लेंथ जो है इसकी, वो 16 हमने ली है, तो 14 तैयार होगी। और पीछे की भी 14 होगी, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा बचेगा। 15 इंच हम पीछे से लेंगे, पीछे वाले पार्ट में। यहाँ हम आर्म होल की पहले मार्किंग कर लेते हैं। और ये फ्रंट का हिस्सा हम काट रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए 6 इंच पे हम गला ले रहे हैं फ्रंट का। और ज़्यादा बड़ी साइज़ अगर आप लेते हैं, 44, 46, 48, तो आप पट्टी वाली ही ब्लाउज़ बनाएं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ 12 इंच पे देखिए हमने ये मार्किंग की है। 1.5 इंच पे हम आर्म होल की राउंडिंग कर देंगे। लगभग सारे साइज़ के ब्लाउज़ मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं अपने चैनल में, आप एक बार रिव्यू उसका कर लीजिए। ये 5 इंच, यहाँ से 6 इंच, बहुत इजी है ये कटिंग करना। तो ये हमारी योग पट्टी हो गई। यहाँ पे हम कर लेंगे अपनी प्लेट्स की मार्किंग, तो जो होगी यहाँ पे 3 इंच, और ये भी 3 इंच, यहाँ से 4 इंच, और यहाँ से लगभग 2 इंच, ये 1 इंच, और ये 8 इंच। और इसको 1/2 इंच कपड़ा लेके आपको प्लेट्स सिलाई चला लेना है, आधा आधा इंच, इससे कम भी ना हो, इससे ज़्यादा भी ना हो। यहाँ से 4 इंच। तो ये हमारी जो प्लेट्स की मार्किंग है, 4 प्लेट्स हैं आपको दिख रहे होंगे, ये भी हो गया है। अब यहाँ पे हम जो है वो फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 इंच पे हम मार्किंग लगा देंगे अपने फिटिंग की, 48 का चौथाई भाग यानी कि 1/4, और कमर लगभग है 10 इंच, सॉरी 11 इंच। तो हमने 44 का चेस्ट कमर जो है वो लिया है। यहाँ हम अपना नेक, फ्रंट का नेक भी राउंड कर लेंगे, और इसको अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने एक साइड में प्लेट्स मार्किंग की थी। अब हम इसको जो है कपड़े को फोल्ड करके हमने थोड़ा सा इसको प्रेस कर लिया है, ताकि यही सेम मार्किंग हमारी दूसरी साइड भी प्रिंट हो जाए। और उसके बाद हमने चॉक से इसको मार्क कर लिया है, तो दोनों साइड का प्लेट्स जो है वो इक्वल हो गया है। तो ये योग पट्टी नीचे वाली, और ये फ्रंट की कटिंग जो है, ये देखिए ये कंप्लीट हो गई है। इसको हम किनारे कर देते हैं। अब जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, उससे हम काट लेते हैं पीछे का। तो बैक साइड का है ये,
तो ये देखिए, हमने 1 मीटर कपड़ा लिया था जिसमें हमारा बस इतना ही कपड़ा बचा है आस्तीन के लिए, और फिर उसमें हुक पट्टी, कच पट्टी ये सब भी जोड़ना रहता है। इसलिए मैंने आपसे कहा 1 मीटर से कम कपड़ा मत लीजिएगा। यहाँ भी 7 इंच, जैसे हमने वहाँ पे शोल्डर मार्किंग की है, और आर्म होल 6.5 इंच, सेम टू सेम जैसे हमने फ्रंट में लिया है वैसे ही ये चीज़ हमें बैक में भी ले लेनी है। और नेक लाइन हमारी यहाँ भी 3 इंच ही होगी, और पीछे का गला एज यूजल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने 9 इंच लिया है, ज़्यादा डीप नहीं रखना है हमें, और गोल गला ही लिया है। आप चाहें तो आप डिज़ाइन डाल लें। यहाँ से 4 इंच, देखिए 15 इंच हमारी टोटल लेंथ है, जो सिल के हमारी पीछे की 14 इंच आ जाएगी, क्योंकि पीछे में हमें कोई प्लेट्स नहीं डालने हैं, बस यही 2 प्लेट्स डालने हैं, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, और पीछे के मुकाबले फ्रंट का, क्योंकि फ्रंट में ज़्यादा प्लेट्स होती हैं। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग, तो देखिए इतना कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा इसमें। 48 की चेस्ट और 44 की कमर है, यही साइज़ है इस ब्लाउज कटिंग की। ये पीछे का भी हमारा हो गया फाइनल। अब ये जो कपड़ा बचा है इससे हम कर लेंगे अपनी आस्तीन की कटिंग। तो हमारे पास इतना ही कपड़ा बचा है, तो इसलिए हम इसे फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड 4 फोल्ड देने के बाद आप देख सकते हैं कि आस्तीन में जो है वो कपड़ा कम है। तो अगर आपको कपड़ा कम है तो भी उसको आपको कैसे मैनेज करना है, देखिए 8 इंच ही हो रहा है, और मैंने हमेशा से बोला है कि 9 इंच, एटलीस्ट 9 इंच नॉर्मल साइज़ में होना चाहिए, तो ये तो बड़ी साइज़ है। तो इसके लिए देखिए, हम कपड़े को ऐसे बचा हुआ कपड़ा हमारे पास है, इसको 4 फोल्ड हमने कर लिया है, इसको ऐसे चिपका दे। उसके बाद इस पे ले 10.5 इंच, क्योंकि ये बड़ी साइज है, लंबाई है 6 इंच और यहाँ से 3 इंच। अगर आप 6 इंच की लंबाई लेंथ रखते हैं तो आपका 5 इंच लगभग तैयार होगा ब्लाउज की लंबाई। बस इसको हम कटिंग कर लेंगे, और चूंकि ये अस्तर है इसलिए आप अगर ये कपड़े को जोड़ते हैं चारों तरफ तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। हाँ, अगर आप ब्लाउज पीस पे ज्वाइंट करते हैं तो वो ज़रूर भद्दा लगेगा, क्योंकि वो ऊपर से ही दिखेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप पीस वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आप एक एक्स्ट्रा पीस ले लीजिएगा, और अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो आप ऐसे टुकड़े ज्वाइंट करके उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो अंदर की तरफ चला जाएगा तो वो दिखेगा नहीं जुड़ने के बाद। ये हमारी साड़ी का पीस है, साड़ी का ब्लाउज है। तो बस हमने जो अपने ब्लाउज की कटिंग की है उसी को हमें यहाँ रख के और जो है वो कटिंग कर लेना है। तो बॉर्डर वाली ब्लाउज है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो ये बॉर्डर हम आस्तीन पे लगाएंगे तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा, तो उस हिसाब से हम अपने अस्तर को प्लेस कर रहे हैं कि हम कहाँ से निकालेंगे, कितना कपड़ा, तो वो कैसे एडजस्ट करना है ये आपको सीखना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि साड़ी के ब्लाउज़ में आपको बहुत बड़ा पीस मिल जाए। तो इसलिए आपको कपड़े को रख के और डिज़ाइन देखते हुए कि आपके डिज़ाइन का पैटर्न कहाँ आएगा, कहाँ डालना है, पीठ पे डालना है, आस्तीन पे डालना है, तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके बाद से देखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज़ जो साड़ी में हमको मिला है वो थोड़ा छोटा है, और हमारी साइज़ जो है वो ब्लाउज़ की थोड़ी बड़ी है, तो हम इसको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। साथ में हम अपने बॉर्डर को एकदम सेफ रख रहे हैं ताकि हम इसे आस्तीन पे यूज़ कर सकें। तो कहीं भी रख के आपको ऐसे काट लेना है जहाँ पे कम कपड़े की बर्बादी हो। देखिए, हमने सारा प्लेस कर दिया है, इतने में ही ये बॉर्डर आपका आस्तीन के ऊपर आ गया, और आपका फ्रंट और बैक भी हो जाएगा इतने में। और काफ़ी समझदारी से हमने ये काम कर लिया है, और देखिए हमारा कोई थोड़ा भी कपड़ा बर्बाद भी नहीं होगा।
तो इसमें अगर आपको कपड़ा कम है और साइज़ बड़ी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो ये धीरे धीरे हम कटिंग करके निकालते जाएंगे। ये हमारी योग पट्टी को भी हमने अलग रख दिया। और जब भी आप से कटिंग करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कपड़ा जो है थोड़ा भी इधर उधर ना हिले। ये हमारी योग पट्टी भी उसी में से कट के निकल गई। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा। तो ये हमारा जो ये बॉर्डर बचा है वो सेफ हमारे आस्तीन पे आ गया है। देखिए एट लास्ट हमने ये आस्तीन की भी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमने टुकड़े काटे हैं वो भी वहाँ पे लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो एक्सेस कपड़ा यहाँ छूट गया है वो आप सिलाई के वक्त जो है जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है, एक्स्ट्रा मार्जिन, उसको अस्तर ज्वाइंट करने के बाद कटिंग करके निकाल सकते हैं। तो इसकी सिलाई की वीडियो मैं इसके नेक्स्ट डालूंगी, आप बने रहिएगा इसकी सिलाई की वीडियो देखने के लिए। और जब भी मैं उसकी वीडियो अपलोड करती हूँ 1 से 2 दिन में, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसकी सिलाई की वीडियो देखना ना भूलिएगा। ये वीडियो मैंने कटिंग की डाली है ताकि ज़्यादा लंबी ना हो, तो मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी कटिंग जो है वो पूरी हो गई है, ब्लाउज से लेके अस्तर की पूरी हमने कटिंग कर ली है। तो बस आपको दिख रहा होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेगा और वीडियो में ऐसी ही और वीडियोस के लिए, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।